मोटू मोटू सा हो गया गोलू मोलू। ओके न्यूट इज ऑन द वे। पेड़ पौधों में पानी डाल। आज काफी टाइम बाद मैं फिर से द बेबी इन येलो सीरीज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो हे बडी वेलकम बैक। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ ये वाला चैप्टर खेलने के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत अच्छी चीजें भी देखने को मिलेंगी हमें एंड थोड़ी सी हार्ड पजल्स भी होंगी, तो बहुत मजा आएगा। द लेबोरेटरी इन अ सीक्रेट गार्डन अवे फ्रॉम प्रेइंग आइस एंड आइसलम इन कारकोसा प्रोटेक्टेड बाय द वाइस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि पिछली बार द एग्जिट मैंने कंप्लीट कर लिया था इसमें, एंड उसके बाद हम लिफ्ट से अपने घर को हो लिए थे, तो यहाँ पे पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना रखी है जिसने भी बनाई है, बहुत अच्छी है यार पेंटिंग्स तो। और खर्चा तो किया है इन लोगों ने घर में, कुछ भी बोल लो कहीं भी देख लो डिज़ाइन और उसके बाद ये पेंटिंग वेंट से करवा रखी है ना, मस्त लग रहा है भाई। कलर कॉम्बिनेशन भी तगड़ा है इनका। तो यहाँ पे ये गेट बंद कर देता हूँ पहले, तो कोई गेट खुला रहता है ना थोड़ा अजीब सा लगता है। हेलो न्यूवेट मेरे भाई, कैसा है तू? इधर तू तो इसी काम आएगा मेरे, कोई बात नहीं मेरी हेल्प करता रहे तू ऐसी बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे पहले तो हमने गेट खोल लिया ये वाला, और उसके बाद इससे हुआ क्या, इस व्हील को घुमाने से कुछ कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, पता नहीं उससे हुआ क्या, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम चलते हैं पहले इधर, मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ पे देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं उस वाइट वाले गेट पे अगर चला जाऊँगा तो मैं क्या पता वापस ना आ सकूँ यहाँ पर, या फिर मेरे से कोई चीज़ मिस हो जाए यहाँ पे, तो मैं वो नहीं चाहता। प्ले रिकॉर्ड, देखते हैं इस रिकॉर्ड में है क्या। अगस्त 15th लॉग 633। जैसा कि इन लोगों ने इस लॉग में कुछ ज्यादा कुछ खास तो बता नहीं रखा, बस ऐसी बकवास सा दे रखा था। तो इस गेट पे चलते हैं अपन। वो देख रहे हो तुम, सो इन्वेस्टिगेट द एल्केम रूम एंड टेक अ लुक अराउंड। ओके इन्वेस्टिगेट करनी है मुझे सारी चीज़ें, एंड उसके बाद देखते हैं इस रूम में हमें क्या क्या मिलता है देखने को। यहाँ पे दो डोर हैं जो कि लॉक पड़े हैं, और एक की चाबी तो मुझे वहाँ सामने दिख गई। और ये क्या है, तो यहाँ पे ये किसी चीज़ का ना फार्मूला है, इफ अगर मैं ब्लू और रेड को मिक्स करूँगा तो पिंक कलर का कुछ पॉइजन या फिर उसका मिल्क बनेगा उस बेबी के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ से होता है ये। तो इस चीज़ में न्यूवेट करने वाला है हमारी हेल्प उस फ्लावर से वो ब्लू बॉल लेने के लिए। तो पहले तो मैं इसे ऑन कर दूँ, इससे हुआ क्या, ठीक है ये जो भी था ये पॉइजन या फिर मिल्क जो भी था इस मशीन में आया। एंड उसके बाद अभी मुझे तीन बॉल और चाहिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होंगी, ठीक है। एक तो होगी रेड और एक होगी ब्लू, जिससे जाके पिंक कलर बनेगा, ठीक है। तो ज़ायरो हियर, यहाँ पे यही वाला फ्लावर है वो, ठीक है यही वाला फ्लावर है वो। तो हार्वेस्ट द रेगेंट फ्लावर, ठीक है। इसका मुझे करना क्या है यहाँ पे, कैसे करना है, कुछ आइडिया दो यार, थोड़ा सा हिंट वगैरह दो, समझ नहीं आ रहा मेरे। न्यूवेट तू है कहाँ पे, ये भी गायब हो लिया क्या एकदम से, कहाँ गया दिखी नहीं रहा, बताओ छोड़ के चला गया तू मेरे को। स्क्रू ड्राइवर पड़ा है यहाँ पे, क्या मशीनें ठीक करनी है मुझे अभी भी, या फिर क्योंकि मशीनें तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ ख़राब है, क्योंकि इफ़ अगर वहाँ पे एक मशीन ऑब्वियस सी बात है ऑन हो चुकी है तो मशीन में तो कोई ख़राबी है नहीं। तो न्यूविट तू अभी कहाँ से आ गए, तेरी मशीनें ठीक करनी है क्या पिछली बार की तरह, तुझे ठीक करना है। ये तो पेड़ों में पानी देने लग रहा है, बताओ ये मशरूम है, तूने बताया नहीं कभी तूने ऐसा मतलब सीक्रेट रूम बना के मतलब यहाँ पे ऐसे पेड़ पौधों में पानी दे रहा है, तू साइंटिस्ट है। अरे कुछ बता दे स्क्रू ड्राइवर, क्या करूँ मैं तेरे मुँह पे दे मारूँ, बता रहा हूँ रास्ता वास्ता बता मेरे को जाने का, नहीं तो ऐसे पेड़ पे चुभा दूंगा, बता रहा हूँ मना कर रहा है अभी भी, ये चाबी भी तो नहीं ले पा रहा मैं। यहाँ पे ना न्यूवेट ही कुछ करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड है उसमें भी लिखा रखा है कि न्यूवेट उस फ्लावर से वो ब्लू बॉल लेता है, एंड उसके बाद लेट्स सी देखते हैं ये कब तक ये पेड़ पौधों में पानी डालता रहेगा, एंड उसके बाद हमें हमारा काम करके देगा। तो कैसे करना है इंस्पेक्ट, अच्छा ठीक है
मुझे ही करना था ये चीज़। तो उसके बाद वहाँ पे लिखा आ रहा था कॉल न्यू इट। कैसे कैसे गुस्सा हो रहा है इतना। ये वो वाले फ्लावर्स हैं जो जैसे कि अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह बैठ जाता है ना, वो एकदम से बंद हो जाते हैं, वो वाले फ्लावर्स ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और कीड़ा तो नहीं हूँ मैं, आदमी हूँ, बच्चा हूँ मैं, एक छोटा सा। ज़ायरो हेयर, यहाँ पे वो चीज़ तो ब्लॉक पड़ी। तू पेड़ पौधों में पानी देने से खाली हो जाए तो मेरे को रास्ता बता, करना तेरे को यही है। कैसे होगा मेरे को बता दे या फिर मैं ही कर लूँ। एक तो इसके चांटे मारूँ मैं, है काटना तू, ज़्यादा तेज हो रहा है तू। एक बॉल चाहिए मुझे बस। यहाँ पे यार समझ भी तो नहीं आ रहा ना मेरे, यहाँ पे ये चाबी भी ना ले पा रहा मैं और कुछ नहीं समझ आ रहा। या फिर उस बेबी को मुझे कहीं से पकड़ के लेके आना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा, या फिर अभी भी नहीं समझ आ रहा, समझ नहीं पा रहा मैं। यहाँ पे ये व्हील पता नहीं किस काम के लिए दे रखा है। यहाँ पे इससे क्या हुआ? ओके लेट्स सी, ठीक है। ये क्या था? पिकअप। ओके इसको क्या करना है मुझे अभी? यहाँ पे कॉल न्यूट, न्यूट इज़ ऑन द वे, पिकअप। ओके न्यूट इज़ ऑन द वे। ओके 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 कुछ हुआ? हाँ वही, जब ही मैं कह रहा हूँ यार न्यू इट का ही काम है, लेकिन मैं कुछ मिस कर रहा था इस वजह से। अब मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी कि मुझे उस न्यू इट को उस पाइप के अंदर से ऐसे डालना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये अपना काम करेगा। तो चलो न्यू इट ने तो अपना काम कर दिया, अब हम अपना काम कर लेते हैं, इसको इस मशीन में डालते हैं। यहाँ पे रखना है, कहाँ प्लेस करूँगा इसे? मशीन में कैसे डालना है? बॉटल यहाँ पे? नहीं, कैसे इसमें प्लेस करना है? नहीं, शायद इस वाले में, ठीक है इसमें। यस फाइनली अब मैं इसको भी ऑन कर सकता हूँ, इस लीवर को भी अभी ऑन कर देता हूँ मैं, एंड उसके बाद देखते हैं। तो मैंने ये वाला लीवर भी ऑन कर दिया है और ठीक है, दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, दो चीज़ें हमें और चाहिए। बट ठीक है, यहाँ पे मुझे पिंक वाला ही चाहिए था ना, तो पिंक वाला केमिकल यहाँ पे बन चुका है, मिल्क केमिकल वट एवर भाई जो भी है। ये यहाँ से कुछ गिरा अभी, पता नहीं क्या था, बट यहाँ पे ये चीज़ हमें मिल चुकी है। लेट्स सी, अब देखते हैं इसका हमें करना क्या है। इसको मेक अ पॉइजन। ओके क्या हो रहा है अभी? कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने या फिर ऐसा ही है? नहीं यार इसको नहीं बुलाना था। ठीक है, सेफ सेफ सेफ, आई थिंक आई एम सेफ। ओके फाइनली, जब यहाँ पे इसकी रोने की आवाज़ आई ना, या फिर इसकी हंसने की आवाज़ थी, वो जब ये हंसा ना, तब जाके मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, क्योंकि तब मुझे लगा ठीक है भाई, वो शैतान गायब हो चुका है और हमारे सामने जो है वो एक बच्चा बैठा हुआ है। और जैसे कि मैंने इसे वो बॉटल दी, इससे वो सारी चीज़ें चिपकने लग गई, जो कि चाबी भी वहाँ ऊपर थी वो भी चिपक गई, मतलब इस बेबी के साथ चिपक गई जैसे तैसे उस केमिकल के ज़रिए। तो मुझे चाबी भी मिल गई। यहाँ पे चिकन वगैरह पड़े हुए फ्रिज में, तो यार खाने के आइटम रहते हैं तो देखने के बाद ना भूख लग जाती है यार। हाय हाय, मन कर आज मैं भी जाके बनाऊँगा। तो टेक अ प्लेट, ऐसे इसके घर ख़राब कर दो है, प्लेट के टुकड़े भी गायब हो गए एकदम से। जादुई घर है ये, व्हील। तो अटैच द हैंडल, किधर कहाँ पे? यहाँ पे कुछ कुकीज़ पड़ी हैं, खा लेता हूँ पहले मैं इसे, पेट वेट भरता हूँ अपना, उसके बाद देखेंगे। एमरजेंसी? कोई एमरजेंसी नहीं है अभी। तो यहाँ पे अभी कोई एमरजेंसी तो है नहीं। और मैं, मुझे ये व्हील लगाना कहाँ पे है वो चीज़ मैं ढूंढ रहा था। और ये रास्ता किधर जा रहा है अभी? ओके यहाँ पे कुछ मिल सकता है मुझे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ है। अरे यार ये चीज़ रोक रही है यार, गेट नहीं खुल रहा। अच्छा ये तो वही कॉरिडोर है यार जहाँ से मैं अभी आया था, ठीक है। और यहाँ पे ये लॉक पड़ा, अरे इसको उठा ना, गिरा मत, मैं बता रहा हूँ बहुत पिटेगा। न्यू वेट, अब मेरे को बता इसे लगाना कहाँ है? स्क्रू ड्राइवर वगैरह कुछ चाहिए, रेंच वगैरह कुछ चाहिए इसको लगाने के लिए, या फिर डायरेक्टली अटैच हो जाएगा ये? कहाँ पे लगाना है वैसे इसे? इधर कहाँ पे? मैं बस यही ढूंढ रहा था कि इसे लगाना कहाँ पे है, उसके बाद उसके तभी जाके प्रोग्रेस होगी। जब तक मैं इसे लगाऊंगा नहीं, प्रोग्रेस होने वाली नहीं है मेरी, तो मैं ढूंढ रहा था। उसके बाद यहाँ पे न्यू वेट था तो मुझे लगा हाँ ठीक है,
यहाँ पे लगाना था इसे, ये यहाँ पे खड़ा है तो ये मेरी मदद ही कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ये चीज़ मैंने अभी तक ध्यान नहीं की थी कि ये मेरी मदद करना चाहता है, और मैं इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा। और तुम्हें कमाल की बात पता है क्या है, ये जो बगल वाला गेट है मेरे लेफ्ट में जो गेट है, उसकी चाबी यहाँ अंदर पड़ी हुई है। बाहर से गेट कैसे लॉक हो गया भाई, किसने लॉक किया? अब मैं वो चाबी कैसे लूँ, मतलब कैसे, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैं वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहा भाई, हाउ इज़ इट पॉसिबल? लॉक कैसे किया बंदों ने गेट? तेरे को व्हील चाहिए? मैंने व्हील वहाँ लगा दिया ना, अब दिमाग मत ख़राब कर ठीक है। और व्हील कहाँ से ढूंढ के लाऊँ, मैंने पूरा घर छान मर लिया था ठीक है ना, जब ये व्हील के लिए मुँह से वो पेपर निकाल रहा था, मैंने पूरा घर ढूँढा था, पूरा घर छान मारा था, लेकिन नहीं नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने इस बेबी को भी अंदर डाल के देखा कि ये बेबी कुछ कर दे, रिट्रीव द की, वो की वहाँ से ले आए, लेकिन नहीं। फिर उसी टाइम मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया पता है क्या है, अभी जब मैंने इसे वो वाला पॉइजन पिलाया था ठीक है, तो मैं एक आध बार ऐसे चेक कर रहा था कि यार हो जाए आ जाए वो फिर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फिर वही मेरे दिमाग में आइडिया आया था, जो मैंने उसे पॉइजन दिया था पिंक कलर का है ना, उसके बाद इसकी बॉडी पे सारी चीज़ें, सारी मेटलिक चीज़ें चिपकने लग गई थी, और प्लास्टिक वाली भी जैसे तैसे करके सम हाउ। तो मैंने सोचा फिर से इसे यही देते हैं, एंड ये मैग्नेट का काम करेगा ऐसे। अरे कहाँ जा रहा है, रुक जा, इधर आ, अब इसको घुमा और यहाँ पे इसको अंदर डाल दे बस। अब जैसे कि ये वहाँ से बाहर को आएगा, चाबी भी साथ में बाहर आ जाएगी। देखा देखा तुम लोगों ने मेरा प्रेडिक्शन, की मिल चुकी है हम लोगों को। एंड क्यों जा रहा हूँ मैं इस रूम में, यहाँ पे कुछ है भी या फिर जस्ट ऐसे ही? ये क्या है? ओके, कुछ सिंबल्स हैं मुझे याद रखने पड़ेंगे, आगे शायद मुझे कुछ काम या फिर कोई लॉक दे दें ये लोग, तो मैं सिंबल्स थोड़े याद भी रखूँगा। एंड यहाँ पे ये क्या है, इस बुक के नीचे गिरा, इसे दूसरी बुक पे हटा के गिरा, और यहाँ पे एक धनुष वाला सिंबल है, और उसके बाद अरे हट जा तू, एक डायमंड में है ठीक है, इसको पहले मैं यहाँ पे लगा, इसको यहाँ पे प्लेस कर पहले तू, नहीं हो रहा यार। फॉलो द ब्लैक केट, फाइंड अ वे अप, ओके। अच्छा पहले इसका पावर ऑन कर, इलेक्ट्रिसिटी ला, और न्यू इट, इधर आ तू, बहुत ज़्यादा तेज भाग रहा है। यहाँ पे कुछ है, पहले मैं साइड हो तू, यहाँ पे कुछ है क्या? यहाँ पे वो कैंडल जल रही है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। अरे इधर आना, तू कहाँ भाग रहा है, इधर प्लेस हो, शांति से बैठ यहाँ पे तू थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा भागता है तू। सो अभी ठीक है, यहाँ से इसको लगाने से ये सीढ़ियाँ चलने लग गई, एंड अब मुझे वहाँ जाना है, जो वहाँ ऊपर कैंडल जल रही है ना वहाँ पे, तो इसको निकालूंगा कैसे मैं, स्टॉप कैसे करूँ, सीढ़ियों को रुकेंगी कैसे ऐसे? अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, लेट्स सी। अब ये सीढ़ियों को हम उधर लगाते हैं बस, ओके बाय, मिलता हूँ, आता हूँ तेरे पास में अभी ठीक है, चढ़ जा ऊपर। यहाँ पे कुछ है, ओके, एक सर्कल और स्क्वायर ठीक है ना, सर्कल एंड स्क्वायर, तीसरा सिंबल भी मिल गया हमें, और चौथा इधर है, फोर्थ वाला इधर है, तो कहाँ गया? यही गायब हो जाता है यार, बार बार इसको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, कभी कहीं वो चला जावे, कहीं कभी कहीं चला जावे, समझ ही ना आता इसका तो बस। ठीक है फाइनली, अरे अरे अबे कहाँ जा रहा है वो, उधर नहीं जाना यार मुझे, इधर आ तू, वह भागे मत, मैं बता रहा हूँ बहुत पीटूंगा, इधर आ, पहले इस कैंडल के पास आ। और कौन है, कौन है किताबें फेंक के मार रहा, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है तुम में, रुक जाओ यार थोड़ा सब्र कर लो, आ रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है और उसमें दो लाइनें, सो लेट्स सी। सारी चीज़ें मुझे, सारे सिंबल्स मिल चुके हैं आई थिंक, और तो कोई सिंबल बाकी नहीं है अभी, तो देखता हूँ मैं कहाँ, क्या बोल रहा है पंकज, देखता हूँ मैं, इसको लगाते हैं अभी, उस कैट के पास चलते हैं बस। ठीक है, वो कैट कहाँ गई, अभी तो यहीं खड़ी थी वो। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं, और जैसा कि मैंने बोला था ये लोग कोई ना कोई पजल दे ही देंगे, तो एक ये वाला सिंबल था, एंड उसके बाद
हाँ एक ये वाला सिंबल था ट्रायंगल वाला दो लाइन का, तो ये रहने देता हूँ। अरे यार क्या हो गया ये, बस ठीक है। और एक था ये वाला और ये वाला, एक मिनट वेट वेट वेट, ये वाला ठीक है, और लास्ट वाला हाँ ये बार। बहुत ज़्यादा इजी था यार ये तो, इजीली हो गया ये तो। तुम देख रहे हो मास्क वगैरह रख रखे हैं इन लोगों ने, है तुम चोरी वगैरह भी करते हो क्या बेटा? ये बच्चा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे लग ही रहा है ऐसा। यहाँ से अभी नीचे चलते हैं हम, और सो क्लाइम मुझे नीचे ही जाना पड़ेगा, नीचे चलते हैं। नहीं उए, अबे कितना हरामी है, धक्का दे दिया वहाँ ऊपर से ही डायरेक्ट। बताओ उससे अच्छा तुम सीढ़ियाँ लगाते ही नहीं, मैं डायरेक्ट कूद जाता, डायरेक्ट कूद जाता, मैं कूद जाता वहाँ से ना, मैं डायरेक्ट कूद जाता। पता है सीढ़ियाँ तुम्हें लगानी नहीं चाहिए थी, मैं डायरेक्ट कूद जाता अगर मुझे पता होता तू धक्का देने वाला है तो। खैर यहाँ पे तेरी फोटो लेनी है मुझे, ऑफ कोर्स भाई मैं ये तेरा काम जरूर करूँगा। सो लेट्स सी लुक एट नो फिल्म, सब कुछ तो दिख रहा है, नो फिल्म का क्या मतलब है फिर? एक मिनट यहाँ पे एक लीवर है, पहले इसको खींचते हैं। ओए इट्स ब्रोकन, तो वहाँ उस कैमरे में मतलब मुझे लीवर कैसे दिख रहा था? एक मिनट यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ मामला पानी है भाई। टीका फोटो, किसकी फोटो लेनी है मुझे? फिल्म यहाँ पे, अच्छा इसमें तो वो लगेगा ना, ठीक है ये रही फिल्म, कैमरा फिल्म, इसको इसमें डालते हैं एंड अब लेते हैं फोटो, पेंटिंग की फोटो। ओके अभी इसको क्या करना है, डेवलप द फिल्म। ओके चलो मुझे उस रूम में जाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि और तो कुछ है नहीं अभी यहाँ पे। इधर हेलो, पिकअप द अनडेवलप्ड फिल्म, क्या करना है मुझे, डेवलप कैसे करूँ मैं इसे? यहाँ पे क्या, अनडेवलप्ड फिल्म गोज इन हेयर। ओके मुझे इसमें डालना है इसे, जैसे मैं इसमें डालता हूँ उसमें उबाल से आने लगती है, पता नहीं ऐसे कैसे, ऐसे कौन सी फिल्म बनती है यार। इंसर्ट फिल्म इन टू द प्रोजेक्टर, तो मैंने डाल दिया, अभी हुआ क्या इससे? कुछ तो हो रहा है, लेट्स सी। ओके यहाँ पे जो मैंने पिक्चर क्लिक की थी वो पिक्चर यहाँ इस टीवी में आ चुकी है, अभी क्या ब्लैंक हो गया ये, तो इसका मतलब क्या हुआ अभी फिर? इंसर्ट फिल्म इन टू प्रोजेक्टर, वही तो कर रहा हूँ मैं। नहीं ये नहीं करना मुझे, फिर क्या करना है? मैं यहाँ पे ना थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि मैं ब्लैंक फिल्म में डाल दी मैंने, और वो जो फोटो क्लिक करके लाया था मैंने वो वाली फिल्म में डाली, जो भी है ये है ना, टेप रिकॉर्डर सा नहीं, आई मीन जो भी है ये मैंने उस प्रोजेक्टर के अंदर डाला, लेकिन फिर से ये बोल रहा है यार इंसर्ट फिल्म इन टू प्रोजेक्टर। एक तो मैं बाहर नहीं जा पा रहा, गेट लॉक पड़ा हुआ है, तो कैसे मतलब अगर मैं ब्लैंक फिल्म इस पानी में भी जो भी है ये इसमें डाल रहा हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? बेटा तेरा कोई, मुझे ना ऐसा लग रहा है तूने कुछ किया है, सही बता रहा हूँ। मैं वहाँ से जब सीढ़ियों से उतर रहा था तब भी तू वहाँ पे था, मैंने हर जगह देखा है तुझे। इस बच्चे को नहीं कह रहा, वो जो छोटा सा टॉय है ना उसको बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अब वो यार। इंसर्ट करने के बाद मेरे को कोई कुछ पता भी तो नहीं चल रहा ना, दैट इज़ द प्रॉब्लम भाई। अच्छा ठीक है मैं बाहर जा सकता हूँ, टेक मोर फोटोज़। ओके तो मुझे अब यहाँ पे फोटोज़ ले, अच्छा ठीक है ठीक है। जब मैं आया था रूम में, एंटर किया था यहाँ पे, ये जो पिक्चर अभी मैंने ली ना ये पिक्चर, उसके बाद वहाँ पे जब मैंने प्रोजेक्टर में डाली तब जाके यहाँ पे आई है। इट मीन्स मुझे पूरे रूम की ऐसी फ़ोटो लेनी है जहाँ जहाँ पे मुझे कोई मिसिंग चीज़ें दिख रही हैं कैमरे के ज़रिए, और वो सारी चीज़ें करके, हाँ अभी समझ आया ना, वो सारी चीज़ें करके रूम को डेकोरेट या फिर डेकोरेट करना है। बेसिक सी बात है, हार्वेस्टर एंड फ्लावर, तो मुझे यहाँ पे न्यू एड की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लावर तो ये रहा जैसे कि मैंने बाहर देखा था अभी, तो ओपन ये रहा ना। अब इस फ्लावर के ये पिंक वाला चाहिए मुझे अभी, तो मुझे यहाँ पे न्यू एड की ज़रूरत पड़ेगी। रोबोट मेरे भाई कहाँ है तू?
तेरे को लेके चलता हूँ भाई, तेरे को खाओ कॉल नो इट। अरे हट जा तू साइड हो, चल परे को बोले तू कुछ ना करेगा। न्यू वेट इज ऑन द वे, आ जा मेरे भाई। सो अभी आके फिर से यहाँ पे थोड़ा स्प्रे व्रे डालता है, पॉइजन वट एवर जो भी है ये। उसके बाद यहाँ पे हमारे मिल जाती है ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल ग्रीन सिग्नल लेट्स गो। अब मैं जाऊँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं। अभी हमारा काम तो हो गया, अभी एक बॉल और बाकी रह रही है, वो एंड वाली, ठीक है ना, तो उसे भी हम ढूंढ लेंगे अभी, तो चलते हैं। अरे इधर आना, इसको तो मैं भूल ही जा रहा हूँ यार, बताओ जो मेन चीज़ है उसको तो मैं वही भूल जा रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे अभी इस वाले उसमें प्लेस करते हैं, एंड उसके बाद क्या बनाना है, फिल द क्लाउड ड्रोन, ठीक है। और बनाना क्या है, मुझे तीन हो गए। अच्छा एक ये फार्मूला वाली बुक है ना, क्या है यहाँ पे, एक ये बनेगा कोई वेट वाली चीज़ बनेगी। रेड वाला ऑन करता हूँ और ग्रीन वाला ऑन हो ही रखा है, तो यहाँ पे कुछ भारी सा बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं, ऑन करता हूँ इसको, देखता हूँ क्या बनता है, क्या निकलता है इसमें से। अभी ब्लू कलर का पॉइजन, इससे क्या होगा अभी। अरे हट जाना, तू क्या पढ़ रहा है उसमें। ब्लू कलर का पॉइजन, इट मीन्स कुछ तो है। अब क्या इसको बॉटल में भरूँ मैं, ओके फीड द बेबी, ओके। अरे हाय ये तो मोटू मोटू सा हो गया, गोलू मोलू। न्यू इट को फॉलो करना है मुझे, बेबी को छोड़ दो। बट बेबी उस पॉइजन को पीने के बाद एकदम गोलू मोलू सा हो गया है। हेलो, मैं जा नहीं पा रहा ना यार, यही तो। अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पे उस बेबी को लाके रखना है आई थिंक, या फिर और कोई भारी चीज़ ताकि वो गेट खुल सके। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस बेबी को ही लाके रखना है, जब ये पॉइजन मैं इसे दे देता हूँ इसके बाद इसका वेट बढ़ जाता है, ऐसा ही करना है मुझे। तो ऐसे ठीक है, अब इसको उठा। अबे लेकिन ये भारी हो जाएगा तो मैं चलूँगा कैसे भाई ना। अभी ये इतना भारी हो गया है, क्या ये फिर दोबारा से नॉर्मल उसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो मेरे पहुंचने तक तो ये नॉर्मल उसमें आ गया, बट फिर इसका मतलब क्या बना। इट मीन्स मैं इसको ऐसे कर ही नहीं सकता। इसके बाद मैंने ऐसे बहुत बार ट्राई किया कि मैं इसको ले जाऊँ या फिर उसको वहीं छोड़ दूँ, फिर पॉइजन दे दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने देखा यहाँ पे एक ये है जिसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ ये। भाग के चल पंकज, यस फाइनली। जैसे तैसे हो गया, बहुत दिमाग लगाना पड़ा था मुझे इसमें। फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था ना यार, कुछ हो ही नहीं रहा था। व्यू अच्छा आ रहा है, वो ऊपर ब्लैक कलर का सन दिख रहा है, वो उसे मत देखो ठीक है, बहुत ज़्यादा बेकार है वो। तो यहाँ पे एक और फ्लावर ढूंढना है मुझे, जो कि ये रहा, बहुत ईजिली मिल गया, बहुत दूर से ही दिख रहा था वैसे तो ये। तो कौन कौन है, कौन है बे भाई। इस बच्चे ने दुखी कर रखा है, इस बच्चे ने दुखी कर रखा है, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है, और स्टॉप द बेबी, बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है सच में, बता रहा हूँ बेटा। बहुत चांटे भी पड़ेंगे ठीक है ना, ये एक तो मुझे इसे पकड़ना है अभी। नहीं यार शिट, न्यू वेट तू क्या कर रहा है, इसलिए रखा है मैंने तुझे, स्टॉप द बेबी। बट कैसे है, जैसे मैं उसके क्लोज जा रहा हूँ, वो फिर ये जो भी है इसकी शाखाएँ लटाएँ वटाएँ जो भी है ये एकदम से, नहीं डैम कैसे कैसे भैंस की टैट, मेरा मत ख़राब हो रहा है अब। अब मेरे से भागा तो जा नहीं रहा ठीक है, अब मैं देखने वाला हूँ इसे खड़े होके कि ये करता क्या है, क्योंकि मेरे से नहीं भागा जा रहा भाई। इवन दो ये गेम ही है, लेकिन मेरे से नहीं भागा जा रहा, मैं इतना नहीं भागता। इस न्यू इट को मैं उठा सकता हूँ, लेकिन इस बेबी को नहीं उठा पा रहा मैं, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसा इसे कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा, या फिर ये क्यों नहीं आ रहा मेरे हाथ में। मैं अब काफ़ी देर तक ट्राई करता हूँ यार, नहीं हो रहा ना। फिर मैं खड़े होके देखने लगता हूँ ये जहाँ पर रिस्पॉन हो रहा है, मैं सोचता हूँ वहीं खड़े रहूँ, और अचानक से जाके धप्पा मार दूँ इसको, धप्पा कर दूँ। जैसे ही मैं इसकी क्लोज जाता हूँ, ये यहाँ पे ये जो भी है ये पावर्स का यूज़ करके बच जाता है। बेसिकली जब मैं इस बेबी को पकड़ लूँगा ना, तब मुझे वो फ्लावर लेना है उसके बाद, और उसके बाद चैप्टर खत्म है। बस फर्क इतना सा है, जैसे ही मैं बेबी को पकड़ूंगा, वहाँ पे वो जो तुम तोप देख रहे हो ना,
इस बच्चे को उस टोप पे डाल के उड़ाना है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली उस टोप में डाल के उड़ाना है, एंड उसके बाद दैट्स इट, कहानी ख़त्म, फ्लावर लो और घर चलो अपनी। ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। सो जब मैं तो नहीं पकड़ पा रहा भाई अभी इसे, मेरा दिमाग भी घूम रहा है सच में, मुझे एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो चुका है खेलते खेलते और सर दर्द हो रहा है मेरा अभी। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm facing down. I fight, even when I don't.